अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, सरदार शान इलेक्ट्रॉनिक्स में आपको वेलकम करते हैं। मैं हूं आपका सरदार शान और ये जी हमारे साथ शाह साहब। तो आज हमारे पास जी नया स्टॉक आ चुका है सिलाई मशीन का। तो हमारे पास बहुत सारी क्वालिटी की सिलाई मशीनें आई हैं, तो हमारे टॉपिक का जो है सिलाई मशीन है, तो इसलिए आपने वीडियो को एंड तक देखना है और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना है। तो चले आए टाइम ज़ाया किए बगैर, चलते हैं वीडियो की तरफ। तो जी शाह साहब, अभी आप बताएं जी, आप हमें सबसे पहले कौन सी मशीन दिखाने लगे हैं जी? सबसे जो मशीन दिखाने वाले हैं आपकी पाकिस्तान की मशहूर सिलाई मशीन हमारे पास आ चुकी है, रॉकेट सिलाई मशीन। रॉकेट सिलाई मशीन आ चुकी है शाह साहब, इसके अलावा आपके पास कौन कौन सी है? हमारे पास आगे रावल है, रावल बहुत ही बेहतरीन मशीन आई है हमारे पास। इसका मैं आपको बताऊंगा क्या क्या राज है इसके, वीडियो को एंड तक देखिएगा, ठीक हो गया, मजा आएगा। और इसके अलावा सिंगर की हमारे पास, अच्छा सिंगर आ गया, रावल आ गया और रॉकेट आ गई है। तो जी शाह साहब, सबसे पहले आप हमें रॉकेट मशीन दिखा दे काइंडली। आप इन दो को, आप इन दो को उठा के नीचे रख दें, नीचे आप रख दें ताकि हमें क्लियर वीडियो समझ आती रहे कि क्या आप दिखा रहे हैं और कौन सी वीडियो दिखा रहे हैं। इसे भी काइंडली आप नीचे ही रख दें ना, इसे आप नीचे रख दें शाह साहब, आप नीचे रख देंगे तो हमें वीडियो देखने में आसानी होगी और वीडियो समझ भी आती रहेगी। ठीक हो गया शाह साहब, अब काइंडली आप इसे ओपन कर दें, बहुत ही अच्छी और ओपन करने वाला हूं। बहुत ही अच्छी और ज़बरदस्त मशीन है जी, सिलाई मशीन, ये रॉकेट सिलाई मशीन, रॉकेट बहुत ही प्यारी है, पैदार है इसके अपने जाती मुजाद लगे होते हैं। ठीक हो गया, ये सी मॉडल है इसका, इसके मैं आपको प्राइस भी बताऊंगा। अच्छा प्राइस है इसके, तरीके वगैरह भी बताऊंगा क्या हिसाब किताब होता है इनमें। ठीक हो गया जी, दिखाते हैं जी आज आपको सिलाई मशीन में क्या क्या क्वालिटी है और इनके रेट्स क्या हैं हम आपको बताएंगे। ये जो हथी होती है ये फोल्ड ही होती है, सबसे पहले मैं आपको बता दूं। अच्छा, जो पैकिंग में आती है ये हथी इस तरह नहीं होती, इस तरह फोल्ड आती है, आपको घर जाके इस तरह करनी पड़ेगी। ठीक हो गया, ये पैक ऐड लगा हुआ, पैक ऐड करना है आपको। ठीक हो गया, ये फिर आपने सिलाई कर, ठीक हो गया शाह साहब। ये जी देख लें, क्योंकि ये इस तरह आती नहीं है, ये ओपन आती है, इसलिए आपने सबसे पहले इस पेज को फिट करना है ताकि आप सिलाई कर सकें जी शाह साहब। इसके अलावा मैं आपको बता चलूँ, ये आपने हटाना है, बाकी आपको मैं इसे फोटो दिखाता हूँ इसकी। अच्छा, इस तरह ओपन होगी, ठीक हो गया शाह साहब। ये देखें इसके अपने जाती फोटो लगे हुए हैं, वीडियो बनाइएगा। ये देखें यहाँ पर देखें रॉकेट लिखा हुआ है। अच्छा ओके, ये जी एक एक पुर्जे के ऊपर रॉकेट लिखा हुआ है। तो इस मशीन के जितने भी पुर्जे लगे हुए हैं इस कंपनी के अपने लगे हुए हैं, ये देखिए इस पे भी आपको नज़र आ रहा है, ये वाले भी नज़र आ रहे हैं, तो इसके पुर्जे भी अपने कंपनी के हैं। इस सिलाई मशीन का अपना कोड नंबर भी होता है। अच्छा, ये इनका कोड है जी, ये आप देख सकते हैं, मशीन पड़ी होगी कंपनी को पता होगा कहाँ पड़ी है। अच्छा ठीक हो गया, ये कोड है, इस कोड के ज़रिए कंपनी जान सकती है कि उसकी मशीन इस वक्त कहाँ सेल हो रही है। ठीक हो गया सर, बल्कि इसका इंची टेप भी लगा हुआ है। अच्छा, ये इंची टेप लगा हुआ है, इंची टेप का कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, ये लगा हुआ है। अच्छा, ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ये इंची टेप लगा हुआ है। असल में होता है क्योंकि सिलाई का जो भी काम करता है तो इंची टेप का बहुत ज़्यादा काम होता है, तो इस वजह से उन्होंने साथ ही लगा दिया है ताकि बार बार आपको इंची टेप के साथ नापना ना पड़े, आप यहीं से नाप सकते हैं। ये इसकी डब्बी है। अच्छा, ये डब्बी आ गई, डब्बी सिलाई वाली होती है, सिलाई लगानी अच्छा, पड़ेगी। ठीक हो गया, होती है ये सिलाई वाली, इसमें धागा लगाते हैं जी, धागा। अच्छा, तो काइंडली आप दिखा सकते हैं, ये दिखा दूंगा, ये बंदे शटल इसका है। अच्छा, ये शटल होता है। ठीक हो गया, ये शटल आ गया, इसमें बीच में अगर कोई धागा फंस जाए तो फिर सिलाई भारी हो जाती है। अच्छा, इसमें अगर धागा फंस जाए तो सिलाई भारी हो जाती है, इसलिए आपने कोशिश करना है कि इसमें धागा ना फंसे। और अगर धागा फंस जाता है, जो ये पेज लगे हुए हैं, पेज दिखाइएगा, ये पैच है और ये पैच है। ठीक, ये पैच है, दोनों आपने ओपन करने, छह शटल बॉक्स पूरा बाहर आ जाएगा। ठीक हो गया, आपने एक एक पुर्जा साफ करना है। सही हो गया, तो ये जो भी बंदा है जिसने सिलाई मशीनें रखी हुई हैं देख ले, अगर सिलाई आपकी भारी हो रही है तो आप एक बार इसे चेक कर लें ताकि इसमें तो मसला नहीं आ रहा, अगर इसमें धागा फंसा हुआ है तो इसे ओपन करके आप सफाई कर सकते हैं। ठीक हो गया, अक्सर होता है सुइयों का, ये आप लगा देते हैं जी, अक्सर होता है सुइयों का होता है ना, कौन सी सुई लगाएं, इसमें दो सुइया आप लगा सकते हैं, 16 नंबर और 18 नंबर, जो भी आप सुई लगाना चाहें। सुई इसकी यहाँ पे लगी होती है, ये आपके सामने है, ये देख लें, ये सुई लगी हुई है।
शाह साहब, ये सुई किस तरह लगाते हैं आप कैडली हमें बता सकते हैं? ये चुटकी लगी है जिस हमने आपको नजर आ रही होगी। अच्छा, ये आ गया चुटकी। ये चुटकी को लूज करेंगे ना, अच्छा ये सुई उतर जाएगी। ठीक हो गया, ठीक है। तो आपने इसी तरीके से आपने जो नई सुई लाएंगे उसको यहाँ रखे, फिर ये चुटकी को आपने तेज कर देना है। ठीक है जी। बाकी सिलाई वगैरह में कोई नुक्स आ रहा हो कुछ, आपने यहाँ से भी ठीक करना है। अच्छा ठीक हो गया, ये लगा हुआ है जी। नुक्स अगर कोई आ रहा हो सिलाई में तो आपने यहाँ से सेट करना है, मतलब आप फिट कर सकते हैं, इसे खोल सकते हैं। ठीक हो गया। आप जब भी सिलाई कर लेंगे तो आपने धागे को इस तरह ऊपर कर लेना है। ये आप ऊपर करेंगे तो फिर इस तरह कपड़े को आप रखेंगे तो आप सिलाई कर सकते हैं। जब आपने सिलाई कर लेनी है तो आप इसको उठा के कपड़े को इसके अंदर से आप निकाल सकते हैं। ठीक हो गया, देख लीजिएगा ये डब्बी लगाने का तरीका है। अच्छा, ये देख सकते हैं जी, डब्बी लगाने का तरीका है। अच्छा, इस तरह लगाते हैं। बाकी अच्छा। कोई होते हैं ना वैसे ही लगाते हैं, इस तरह ही यहाँ पकड़ लिया जी, यहाँ भी आपने लगा दिया है। ठीक है, ये गलत है, अभी देखें लगा भी नहीं, सही हो गया समझ। फिर कहते हैं जी चुटकी बहुत खराब हो गया, कभी क्या खराब हो गया, और वो तरीका नहीं आता। ये लगा हुआ इजी तरीका है। अच्छा अच्छा, ये रखना है आपने और ये। अच्छा ठीक, ठीक हो गया, अभी ये नहीं घूम रहा। ठीक हो गया शाह साहब, ठीक हो गया। तो उसके अलावा हमारे पास एक मशीन आई हुई है रावल। अच्छा ठीक है, आप इसको साइड पे कर ले, आप हमें अब रावल की मशीन फ्रेंडली दिखा दें। आपको मैं दिखा दूँ, इसको मोटर लगाने का तरीका मैं आपको बता दूँ। रॉकेट को अच्छा। रॉकेट को मोटर लगाते हैं, वो मैं आपको बताता हूँ। ये अच्छा। मशीन उठाई। अच्छा जी, इसका पेज लगा हुआ है, ये दिखाइएगा जी। ठीक हो गया, ये पेज आप पेज खोलेंगे ये अच्छी उतर जाएगी। अच्छा, ये पेज लगा हुआ है, कोई भी बंदा इसके साथ अगर मोटर लगाना चाहे, ये हाथ से अगर आपको समझ आती है कि आप थक जाते हैं या आप उस तरह तेज़ी से काम नहीं कर सकते हैं, तो फिर आप ये वाला पेज खोल के सत्थी को निकाल के यहाँ पे निकाल देंगे। अच्छा ठीक है, आगे इधर आए ना, ये एक पेज और लगा हुआ है। अच्छा ठीक हो गया, एक वो पेज, इस पेज को ओपन करेंगे, ये चूड़ी छोड़ लगी है, ये चूड़ी आप खोलेंगे तो ये आपका व्हील सारा बाहर आ जाएगा। अच्छा ठीक हो गया, ये बाहर जगह उसका एक पट्टा होता है, वो पट्टा आप रखना है, फिर अपने व्हील या टेस्ट करना है, फिर मोटर को आपने यहाँ लगा देना है। इस साइड पे मोटर लगाएंगे, यहाँ पेज उसका लगा देंगे। ठीक हो गया, ये अति फिर किसी काम के नहीं रहेगी। अच्छा ठीक, बहुत इजी तरीका है। ठीक हो गया, फिर भी अगर किसी बंदे को समझ ना आ रही हो या कुछ, तो आप हमें मैसेज करके हमसे पूछ सकते हैं, या हमारा व्हाट्सअप नंबर भी है, आप उस पर रब्ता कर सकते हैं 0312-5852-866। ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है, किसी भाई को कोई भी चीज़ चाहिए हो तो आप पूछ सकते हैं भाई। बाकी अगर किसी को सिलाई की समझ ना आ रही हो, अगर क्योंकि धागा फंस जाता है, दबाव का खींच हो जाता है, कुछ मसला होता है, टांगा वगैरह देती है सिलाई। ठीक हो गया, उसमें ये लिखा हुआ है रॉकेट का अपना सारा कुछ बातें लिखी हुई है। अच्छा, ये इनकी अपनी यहाँ से देख के आप ठीक कर सकते हैं। ठीक हो गया, ये पूरी इनकी एक किताब सी आती है, आप इसको मिनी बुक भी कह सकते हैं, ये रॉकेट सिलाई मशीन है, तो इसमें आप चेक कर सकते हैं। ठीक हो गया शाह साहब, इसमें ये सामान है। अच्छा, ये इसका सामान भी साथ है जी, ये इसकी तेल की कॉपी आती है, वाइट तेल आता है। अच्छा ठीक, येलो तेल नहीं है इसका, वाइट तेल आता है, पुर्जों का बहुत ही बेहतरीन तेल है। अच्छा, ये वाइट तेल, अगर किसी की मशीन 10 साल, और इसमें क्या क्या है काइंडली आप दिखा सकते हैं? और इसके अंदर पड़ी हुई है जी पेचकस वगैरह। अच्छा, एक पेचकस इसके साथ आ, खिड़की पड़ी हुई है, खिड़की आ गई है, टैप पड़ा हुआ है, सुइयां पड़ी हुई है। अच्छा ठीक हो गया, ये छोटा पेचकस भी है, बड़ा पेचकस, अच्छा, छोटा पेचकस भी है, बड़ा पेचकस भी है, ये सारी चीजें इसके साथ फ्री आती हैं शाह साहब, या इसकी कीमत पे करनी पड़ेगी? नहीं नहीं, ये तो फ्री आती हैं। अच्छा, ये फ्री है, अपना सामान होता है। ठीक हो गया जी, ये इसके साथ फ्री आती है। किसी की मशीन 10 साल 5 साल पुरानी पड़ी होती है, वो जाम हो जाती है। शाह साहब, आप काइंडली हमें एक चीज बता दे कि इसकी वारंटी कितनी है? ये वारंटी एक साल है, एक साल है, वो इस सिलाई की, ओनली सिलाई की। अच्छा, इसकी गारंटी नहीं होती। बाकी इसके अलावा 5 साल फ्री सर्विस है, फ्री सर्विस में होता है तेल देना, सफाई करना। अच्छा, ये 5 साल के अंदर हम सफाई कर देंगे। अच्छा, ये बड़ा काम नहीं हो, घर में भी आप कर सकते हैं। अक्सर जो गारंटी है वो एक साल की है, उस लाइक की है। ठीक हो गया, और शाह साहब काइंडली आप इसकी कीमत भी बता दें हमें। मिल जाएगा 13,500 रुपये की आपको, 13,500 रुपये की आपको मिल जाएगी भाई। किसी बंदे को भी ये मशीन चाहिए हो तो 13,500 रुपये की रॉकेट मशीन आपको मिल जाएगी, एक साल की वारंटी पे। ठीक हो गया, एक और टेक्निक भी है, वो मैं आपको बता दूं, किसी की 10 साल 5 साल मशीन पड़ी रहती है घर में, वो जाम हो जाती है, वो व्हील जाम हो जाता है, क्या करें, मिट्टी का तेल डालें, क्या करें, मिट्टी का तेल उसमें डालें, ठीक है, 5 या 10 मिनट आप धूप में उसको रख दें मशीन को। ठीक हो गया, मशीन आपकी जमा हो जाएगी। ठीक, और कोई तेल डालने की आपको जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ठीक हो गया शाह साहब, तो इसके अलावा कौन सी मशीन है काइंडली आप हमें बता दें? रावल है। ठीक हो गया, रावल मशीन है, वो ऐसी मशीन है, आप वेलवेट जर्सी रबड़ी कपड़ा आजकल आया हो लेडीज
होता है वो भी निकालेंगे आपका। ठीक, बहुत ही प्यारा कपड़ा हुआ है, तो मशीन भी इंशाल्लाह मैं आपको दिखाता हूँ। ठीक हो गया, रावल में आप कोई भी कपड़ा निकाल सकते हैं, ये मशीन यार कसम कपड़ा, दुनिया का कोई कपड़ा भी है वो ये मशीन निकालेगी। ठीक हो गया जी, रावल मशीन है, आप रावल हमें दिखाएं। रावल मशीन तो जी भाई आप रावल सिलाई मशीन आ, अच्छा ये रावल आ गया जी, ये बहुत ही प्यारी बात, ये सिलाई मशीन है, ये आ गया जी रावल मशीन आ गई है, ये आप देख सकते हैं। देखिए हैंडल इसमें फोल्ड ही आता है, अच्छा ये इसका भी हैंडल फोल्ड हो गया, ठीक हो गया जी, ये आप देख सकते हैं रावल कंपनी की है, बड़ी प्यारी मशीन है। ये देखिए इसके भी जाती है अपने पुर्जे जात लगे, अच्छा इसके भी अपने पुर्जे लगे हुए हैं, ये आप देख सकते हैं रावल, रावल इस कंपनी के भी जो पुर्जे हैं वो अपने इनके लगे हुए हैं। ठीक हो गया, ये इतनी प्यारी सिलाई मशीन है, इनकी सिलाई कंपनी चेक करके भेजती है, इनकी देखिए ये डब्बी धाका लगा हुआ है, तो वेलवेट जर्सी हर किस्म का कपड़ा ये मशीन निकालेगी। अच्छा हर किस्म का कपड़ा निकाल, उसका जो पेज था वो तो दूसरा पेज वाला था ना, जो उसका शटल था, ठीक होगी ना, अच्छा समझ गए, उसको यहाँ पेज लगी हुई थी आपने देखा होगा, ठीक है जी जी बिल्कुल, राकेट इसके ये चुटकी लगा हुआ, चुटकी बॉक्स से भी चुटकी लगा हुआ, चुटकी को आप इसे हटाएंगे तो शटर पूरा आपको एक से बाहर, पेज को नहीं जरूरत ही नहीं, ठीक हो गया, शटर एकदम से बाहर आ जाएगा, ठीक हो गया, जगह पास वगैरह जाता है कुछ हो जाता है ना, इस कंपनी ने हमें सहूलत दी हुई है। ये रॉकेट का आपको पेज निकालने पड़ते हैं, लेकिन इसका शटर लगा हुआ है, इसको आप ओपन करेंगे तो बाहर निकल आएगा, चुटकी हो गई, ठीक हो गया, ठीक हो गया सर। बाकी इसके अलावा हमारे पास एक आई इसमें भी, इसमें कौन से नंबर की सुई लगती है, 16-18 जो भी आप मशीन नंबर लगाना चाहें इसमें सुई वो लग सकती है। ये देख ले सर, इसका भी यही डिज़ाइन है, जब आपने कपड़ा सिलाई करना हो तो ये इस तरह आप सिलाई करेंगे, जब आप कर चुके होंगे तो आपने ये उठा लेना है और कपड़े को आपने बाहर निकाल लेना है। ये इसकी सुई आ गई, अगर किसी तरह की भी आपकी सिलाई सही ना आ रही हो या कुछ, तो ये देखें ये इसका एडजस्ट करने की जगह बनी हुई है, यहाँ से आप इस पेज को घुमा के एडजस्ट कर सकते हैं। अच्छा ये शाह जी क्या आता है कंडी, आप ये बता ये तो ये वो तो देखे ना, ये ऊपर जो आप नलकी डालेंगे ना, अच्छा ये जब नलकी आएगी, नलकी होती है तो मैं आपको डेमो दिखाई देता है इसका, अच्छा अच्छा ये आप नलकी डालेंगे, ठीक हो गया, यहाँ से नलकी आएगी, धागा आएगा, फिर यहाँ आएगा, अच्छा अच्छा ठीक है, एक मिनट, अच्छा शाह साहब एक चीज़ और बता दे, अच्छा मैं आपको बता देता हूँ, ठीक हो गया, अच्छा एक चीज़ और भी बता दे, ये दो क्यों लगे हुए हैं, ये दो नलकी लगा मर्जी लगा लें आप, अच्छा दो लगे हुए हैं जहाँ पे मर्जी है लगेगी, ठीक हो गया, यहाँ पे आएगी, यहाँ पे आपने रखना है, फिर आपने यहाँ पे इसमें डाल रखना है, अच्छा एक इसको घुमाना है इस तरह, इस घुमा करना है, ठीक है, इसको अपने अच्छा लेके जाना है, ठीक हो गया, ये देख लें कोई भी बंदा अगर सिलाई करता है तो देख ले कि किस तरह करना है, फिर आपने यहाँ पे सुई पे इसको डाल, अच्छा फिर उसमें डाल देना और फिर सिलाई करनी है, ठीक हो गया, ठीक हो गया जी, ठीक हो गया जी, ये इस तरह करना है। तो कोई भी बात अगर आपने पूछनी हो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। अच्छा शाह साहब इसकी गारंटी कितनी है, इसकी गारंटी जो होती है 1 साल है, इसकी भी 1 साल है, सिलाई की गारंटी है, ठीक हो गया, अगर सिलाई 1 साल के अंदर खराब है हो जो कुछ भी हो आप लें हमारे पास, आपको सिलाई ठीक करके देंगे, ठीक हो गया जी, 1 साल इसकी गारंटी है, 5 साल फ्री सर्विस है, फ्री सर्विस में होता है तेल देना सफाई करना, ठीक हो गया शाह साहब। तो शाह साहब आप हमें एक ये चीज बता दे कि इसकी प्राइस क्या है, इसका क्या रेट है, प्राइस आपको मिल जाएगी ये 11,800 11,800 रुपए की ये रावल मशीन आपको मिल जाएगी। तो काइंडली हम आपके पास एक और मशीन थी वो कौन सी थी, सिंगर है, तो आप हमें काइंडली सिंगर भी दिखा दें, सिंगर मैं आपको दिखा, सिंगर का एक बहुत ज़बरदस्त तरीका है, सिंगर आप रूलर जो इस्तेमाल के लिए है ना वो बहुत अच्छी है, अच्छा बाकी आप दर्जी का काम करते हैं तो रॉकेट लें या रावल लें, ठीक हो गया, उसके अलावा आपकी भी बिना आसान है, ठीक हो, सिंगर है जो घर के इस्तेमाल की छोटे मोटे घर के इस्तेमाल के लिए, ठीक हो गया शाह साहब, ठीक हो गया, आप ये काइंडली मशीन दिखा दें, इसको ऊपर ले आएँ, इसको ओपन कर दें, ये आ गया जी सिंगर मशीन, आपने ये पहले रॉकेट देखी है, रावल देखी है, दोनों की प्राइस भी हमने आपको बताई है और इनकी वारंटी भी हमने आपको बताई है, ठीक हो गया। अभी इसके बाद आ गई है सिंगर, इसकी भी हम आपको सारी चीज़ें बताएंगे, इसका रेट बताएंगे, इसकी गारंटी बताएंगे। तो अच्छा इसका भी ये ओपन ही आता है, ठीक हो गया, ये आपने देख लिया ये ओपन ही है,
साहब ये आ गई है जी सिंगर की मशीन। अच्छा इसका भी ओपन ही आता है। शाह साहब ने भी पेज लगा के इसको टाइट किया है। हमने जैसे पहले दो मशीनों में आपको दिखाया था इसका भी यही तरीका कार है। तो शाह जी इसका काइंडली आप सामान दिखा दे, अभी मेरी नज़र पड़ गई। अच्छा एंड पे आप दिखा देंगे, एंड पे आप हम आपको दिखाएंगे कि इसके साथ सामान क्या क्या आता है। ये देख लें इसके जाती अपने पुर्जे नहीं है। अच्छा इसके पुर्जे अपने जाती नहीं है, आप ये देख लें। उन दो कंपनीज के जाती अपने पुर्जे हैं लेकिन इसके अपने जाती पुर्जे नहीं हैं जी। ठीक हो गया। हम आपको जो भी चीज़ दिखाएंगे ओरिजिनल हर चीज़ दिखाएंगे, जो चीज़ जैसी होगी हम वैसी दिखाएंगे। ये नहीं कि बेचने के लिए गलत बयानी कर देंगे, तो ऐसा नहीं होता। ठीक हो गया शाह साहब। शाह साहब काइंडली आप इसके पुर्जे दिखा दें हमें। अच्छा इसका सामान आता है जी। अच्छा जी टैप पड़ा हुआ है, फिर क्या पड़ी है, पेचकस पड़ा हुआ है। ठीक हो गया जी, मतलब ठीक हो गया। इसकी हर चीज़ इसके साथ है। तो काइंडली इसकी भी दिखा दें, ये सिलाई वाली। इसमें शाह जी इसमें कौन सी सुई लगती है? इसमें 18 लगाएं तो बेहतर। अच्छा इसमें 16 नहीं लगा सकते? 16 लगाएं, मेरे वो सिलाई सही नहीं करेगी। अच्छा इसमें आपने 18 नंबर की सुई लगानी है, 16 जो है वो सिलाई उस तरह नहीं करेगी। शटर लगा हुआ है इसको। ठीक है इसको पेज वाला लगी है सामने। ठीक हो गया। इसकी भी डब्बी, आप डब्बी को इसी तरह निकाल के ये दिखाने का आप तरीका देख लें, उस तरह होगा। ठीक हो गया। अच्छा इसी तरह आपने अगर सुई को चेंज करना है, ये वाली सुई अगर आपकी बेलफास्ट टूट जाती है या कुछ, तो ये एक पेज लगा हुआ है, आपने इसको चुटकी इसको बोलते हैं। ठीक है, आपने यहाँ से पेचकस या किसी चीज़ की मदद से इसको ओपन करना है। ओपन करके आपने सुई ये वाली निकाल लेनी है, फिर दूसरी इसी जगह रख के आपने इसको टाइट कर देना है ताकि जो है ना सुई इसी तरह दोबारा आ सके। अच्छा एक चीज़ और है, ये देखें ये इसका, ये तो आपका आ गया सिलाई। इसको बोलते हैं मथा। अच्छा ये इसको मथा बोलते हैं। एक ये चीज़ आ गई है, जब आपने कपड़ा रखना हो इसमें सिलाई के लिए, तो सबसे पहले आपने ये इस तरह अगर नीचे तो आपने ऊपर करना है, फिर आपने इस तरह कपड़ा रखना है, कपड़ा रख के फिर आपने इसको डाउन कर देना है। ठीक है, ये चीज़ आपने नोट करनी है। धागा आप यहाँ पे नलकी रखेंगे, नलकी रख के फिर यहाँ से नलकी आएगी। ये इन्होंने एक जगह बनाई हुई है, ये आपके सामने ये आप देख सकते हैं। यहाँ से आपने गुजारना है, फिर इसके साथ आपने एक इसको चक्कर देना है, सर्कल से जिसे आप कह सकते हैं। फिर उसके बाद आपने यहाँ पे धागा जो है इस सुई में डालना है, तो आप सिलाई कर सकते हैं। तो शाह साहब आप काइंडली ये चीज़ बताएँ, इसकी कीमत क्या है? आपको मिल जाएगी 10,500। 10,500 रुपए में ये वाली मशीन आपको मिलेगी। तो इसकी गारंटी कितनी है? गारंटी इसकी 6 महीने। 6 महीने? 6 महीने गारंटी है। अच्छा इसकी 6 महीने गारंटी है। इसका फ्री सर्विस भी नहीं है। फ्री सर्विस? अच्छा इसकी फ्री सर्विस नहीं है, इसकी फ्री सर्विस भी नहीं है। और बाकी दो मशीनों की हमने आपको जितनी भी क्वालिटीज बताई हैं आपने देखी होंगी। तो जी शाह साहब बहुत शुक्रिया आपका, आपने हमें इतना सारा टाइम दिया। तो जी भाई उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। हमने आपके लिए इतना टाइम निकाला, एक एक चीज़ आपको बताई, 3 मशीनें दिखाई, सिलाई मशीनें, एक एक क्वालिटी उनकी बताई है, उनके रेट्स आपको बताए हैं, उनकी जितनी वारंटी आती है। भाई को सिलाई के मुतालिक कुछ भी बात कुछ नहीं हो तो वो कमेंट में बता दें, तो आपको बता देंगे जी। ठीक हो गया। तो आप हमारा नंबर नोट कर ले, कोई भी बात पूछनी हो या अगर आपको सिलाई मशीन चाहिए हो तो आप इस नंबर पर रब्ता करें, 0312-5825-866। ये नंबर है जी सरदार शान, ये मेरा नंबर है, तो आप इस पर रब्ता कर सकते हैं। तो आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हर आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको मिल सके। तो अभी अपने इस भाई को इजाज़त दें, तो चलते हैं। अल्लाह।